बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने पेस्को का जो अभी टेस्ट आ रहा है उसके हवाले से हमने डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है कि उसकी अपने तैयारी किस तरह करनी है और उसका टेस्ट जो होगा वो रमज़ान में होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर शायद टेस्ट डिले कर दें, टेस्ट रमज़ान के बाद वो कंडक्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो पेस्को का टेस्ट होगा वो अपने टाइम पे होगा, वो 17 अप्रैल को ही होगा। उसमें उसको कोई कैंसिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि टेस्ट जो होगा वो 17 अप्रैल को होगा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, इस तरह नहीं करना कि किताबों को साइड पे रख दो कि टेस्ट रमज़ान के बाद होगा। अच्छा, लाइक नो लाइक देयर विल बी नो डिले इन टेस्ट। अच्छा, इसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर का टेस्ट है वो 22 मई को होगा, सही है? तो ये डेट भी आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियर जो होते हैं वो रेवेन्यू ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं, तो उनका जो टेस्ट होगा वो 22 मई को होगा। अच्छा, यहाँ पे मेपको का जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ में होगा, मई में वो कंडक्ट करेंगे मेपको का टेस्ट, सही है? अच्छा, सिलेबस पे आने से पहले हम यहाँ पे जो टेक्निकल और जनरल पोर्शन है इनका परसेंटेज इन्होंने अपने वेबसाइट पे शो नहीं किया, लेकिन इसका जो परसेंटेज होगा जो टेक्निकल पोर्शन है उसका 83% एमसीक्यूज जो होंगे वो टेक्निकल पोर्शन के होंगे और बाकी जो 17% है वो आपके जनरल पोर्शन के होंगे। तो अब इस के बाद फिर हम आते हैं जनरल और टेक्निकल पोर्शन की तरफ कि उसका सिलेबस क्या होगा। पर यहाँ पे इन्होंने ये बात भी यहाँ पे जिस तरह NTDC में था वहाँ पे आपने दोनों टेस्ट को क्लियर करना था, तो यहाँ पे भी वही सेम क्राइटेरिया है, इन्होंने भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा है अनलाइक NTS के, यहाँ पे आपने दोनों टेस्ट को क्लियर करना है। तो 100 MCQs होंगे टोटल, 100 MCQs में से 83 MCQs जो होंगे वो टेक्निकल पोर्शन से होंगे लाइक आपके फील्ड से होंगे और बाकी 17 MCQs जो होंगे वो जनरल पोर्शन से होंगे। अच्छा, इसमें एक इन्होंने पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 50% होंगे लाइक 83 में से आपने कोशिश करना है कि आपके 43 MCQs सही आ जाए, सॉरी 42 MCQs आपके सही आ जाए, सही है? तो 42 MCQs से ज़्यादा अगर आपके सही हैं तो आप पास होंगे, अगर 42 MCQs से कम आपके सही हैं तो फिर आपका टेस्ट अनक्लियर होगा। अच्छा, जनरल नॉलेज 17 MCQs होंगे, तो इसमें आपने कोशिश करना है कि 9 MCQs आपके सही हो जाएं, क्योंकि 50% ऑफ 17 इज इक्वल टू 9, तो वो 9 MCQs आपने इसमें सही करने हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस की तरफ, तो सिलेबस की तैयारी किस तरह करनी है, इन्होंने डिटेल सिलेबस तो दिया नहीं है कि आपने लाइक टेक्निकल पोर्शन में इतना परसेंट यह होगा, इतना परसेंट इस बुक से आएगा, लाइक वो इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन नहीं किया, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं तो उसको अपनी डिटेल में देखने हैं, एंड डेप्थ उसको आपने देखने हैं, ओके? और ये टेस्ट जो है ये NTS वाले कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ये UT पेशावर वाले कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि जो कंसेप्चुअल वाइज आपने स्टडी करनी है। आपके पास अभी टाइम कम है तो हॉन्डा को कवर करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वो है, मेरे वीडियो लेक्चर्स भी हैं यहाँ पे मेरे इस पे, तो उसको अगर आपने देखने तो उसको आप फास्ट मोड में देख सकते हो लाइक 1.5 स्पीड कर लो वीडियो का, तो उसके थ्रू अगर आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हो, उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम थोड़ा सा कम बच जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सारे से उसको डिस्कस किए हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल दी कॉन्सेप्ट्स बुक्स की तरफ जाने की बजाय आप उस MCQs को देख लो, उन वीडियोस को देख लो, तो उस MCQs को फिर आप वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, इस कम टाइम में आपकी तैयारी उससे बेस्ट हो जाएगी। टेक्निकल पोर्शन में जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया कि जो प्ले लिस्ट है उसमें चले जाओ, वहाँ पे हांडा के MCQs भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको बीके मेहता के MCQs भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको स्मार्ट सीरीज के MCQs भी मिल जाएंगे। स्मार्ट सीरीज को कंसेप्चुअल वाइज इस टेस्ट के लिए कवर करना वो बेस्ट है, बट उसको रट्टा लगाना इस टेस्ट के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्मार्ट सीरीज से MCQs नहीं लाएंगे, क्योंकि NTS वाले जो हैं वो स्मार्ट सीरीज से, उनका डेटा बेस जो है उसमें सारे MCQs जो पढ़े हैं वो स्मार्ट सीरीज के पढ़े हैं, तो उससे वो MCQs को पिक कर लेते हैं, जबकि UET वाले जो हैं ये इनका ये फर्स्ट टाइम ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिव MCQs लाएंगे लाइक FPSC की तरह। इसके बाद जैसे ही वो दो तीन टेस्ट हो जाएं फिर तो पास पेपर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा UET पेशावर का किस टाइप का टेस्ट आता है। अच्छा, वीके मेहता को भी आप कवर कर लो, उससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखनी तो खैर आप वीके मेहता बुक को डाल दो, तो उससे आपके वो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीके मेहता भी इस
कम टाइम में वीके मेहता भी एक बेस्ट ऑप्शन है, वो भी आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं विद इन दिस लिमिटेड टाइम। अच्छा, इसके बाद कुछ वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट को आप देख लो तो काफ़ी बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें एक ये बात भी है कि जो लाइक शायद यूट्यूब इशारों वाले इतने सुस्त हों कि वो वेबसाइट ही इसे कॉपी पेस्ट कर लें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बुक, के बुक से टाइप करना उनके लिए मुश्किल हो तो वो वेबसाइट से ही कॉपी कर ले, तो आप वेबसाइट को कवर कर ले तो वो भी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि उससे ये एक्सक्यूज ला दें। तो वेबसाइट्स में आपने इंडिया बैक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉर यू हो गया, उससे आपके कंसेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फॉर यू से आप क्लियर कर लो। सैम फाउंड्री एक वेबसाइट है, उससे भी आपके एक्सक्यूज क्लियर, उससे भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। गेट वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, गेट इंडिया का है वो, उससे भी उसमें काफ़ी डिफिकल्ट एम्सीक्यूज होते हैं, तो उससे भी आपके जो कंसेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल राइड या कैरियर राइड, ये भी एक वेबसाइट है, इससे भी आपके एम्सीक्यूज क्लियर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं जनरल पोर्शन की तरफ, तो जनरल पोर्शन के लिए मैं एक ही वेबसाइट आपको रिकमेंड करूँगा, वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट हैं लेकिन एक ही वेबसाइट है वो पाक एम्सीक्यूज हैं, उससे आप जनरल पोर्शन कवर कर लो। लेकिन यहाँ पे जो है इंजीनियर SDO पोस्ट के लिए इन्होंने जनरल पोर्शन जो है उसमें इंटेलिजेंट इन्होंने इंक्लूड किए हैं, पाक स्टडी ये भी वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, पाक एम्सीक्यूज से ये भी क्लियर हो जाएगा, जनरल नॉलेज भी आपका पाक एम्सीक्यूज से क्लियर हो जाएगा, इस्लामियात भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे IT नहीं होगा, बाकी जो पोस्ट हैं लाइन सुपरिटेंडेंट लेबर असिस्टेंट उसमें उन्होंने IT दिए, बट इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट दिए, क्योंकि आगे जितने भी आपकी जॉब्स होंगे वो मैनेजमेंट ही से रिलेटेड होंगे। तो मैनेजमेंट में फिर आप एक वेबसाइट है एग्जाम मीडर, वहाँ पे आप जा सकते हो, तो वहाँ पे आप मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको वहाँ पे एम्सीक्यूज मिल सकते हैं। मैनेजमेंट को वहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी हैं, तो उसको आप या तो अंडरस्टैंड कर लो यूट्यूब वीडियो से, या उस एम्सीक्यूज को कवर कर लो। पाक एम्सीक्यूज में भी आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको एम्सीक्यूज मिल सकते हैं, तो इन दोनों वेबसाइट से आप ये मैनेजमेंट के एम्सीक्यूज आप फिल कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो PESCO टेस्ट के हवाले से, अभी SDO का टेस्ट आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।